नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां हम सीखते हैं एडवांस एक्सेल एंड वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग। और इसमें हम आपके साथ आज डिस्कस करने जा रहे हैं और डिस्कस करने जा रहे हैं पेस्ट स्पेशल का। जी हाँ, कॉपी पेस्ट और पेस्ट स्पेशल का हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे इस बैच में। उससे पहले हम पहले बता दो आपको कि जो रिकॉर्डिंग्स आप देख रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग्स जो है ये आपका ऑनलाइन हमारी लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग है। देखिए, हमारे पास जो है तकरीबन 3 बच्चे हैं, सुबह के 9 बजने वाले हैं और 3 बच्चे ज्वाइन कर रखे हैं हमने, और एक क्लासेस आप हमारे साथ जो है लाइव ले रहे हैं। और ये देखिए, सारे को लोग हमसे क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे। तो आप अगर फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं या फिर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारा नंबर भी नोट कर ले, ताकि इन फ्यूचर में कभी हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी हो, हमारे डीवीडी परचेज करनी हो या हमसे कोई क्वेश्चंस करना है अपने एक्सेल प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चंदन जी, रितेश जी एंड सुरेश जी, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं पेस्ट स्पेशल के बारे में। तो कॉपी पेस्ट तो हम करते ही हैं, और कॉपी पेस्ट मुझे लगता है कि हर कोई कई बार करता है अपने ऑफिशियल लाइफ में, लेकिन पेस्ट स्पेशल जो है आपके लिए थोड़ा सा एक बेनिफिटेबल चीज़ है। क्योंकि पेस्ट स्पेशल की मदद से हम क्या करते हैं, हम एरिया से जब कुछ पर्टिकुलर एरिया से जब कुछ कॉपी करते हैं, तो उसका कुछ पार्ट को हम पेस्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने दिया नेम, नेम, रोल एंड मार्क्स। मान लीजिए इतना ही लेता हूं मैं, पूजा। और मार्क्स के लिए मैं यहाँ पे रैन बिटवीन का फॉर्मूला, रैन बिटवीन का फॉर्मूला क्या करता है कि रैंडम डेटा देता है कि आप अपने सेल्फ में से रैंडम डेटा को ले सकते हो। ठीक है, रैंडम डेटा को ले सकते हो। तो रैंडम डेटा इस्तेमाल करने के लिए हम पेस्ट स्पेशल का यूज करते हैं। सॉरी, माफ कीजिएगा, रैन बिटवीन का और पेस्ट स्पेशल मैं अभी बताने जा रहा हूँ। जैसे जैसे कि हमने यहाँ पे इसको कॉपी किया, और कॉपी करके किसी भी जगह पे हम जस्ट कॉपी एंड कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी करते हैं, तो जैसा मेरा डेटा होता है वैसा ही पेस्ट होता है। ठीक है, जैसा मेरा डेटा होता है सिर्फ वैसा ही पेस्ट होता है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मेरा डेटा जैसा वैसा पेस्ट ना हो, मैं चाहता हूं कि मेरा डेटा पेस्ट हो, मैं जो जितना कॉपी करना चाहता हूं उतना ही डेटा पेस्ट होना चाहिए, बाकी डेटा पेस्ट ना हो, तो उस केस में क्या करेंगे? तो उस केस में हम यहां पे राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल। ठीक है, पेस्ट स्पेशल, और यहाँ आपके पास आ जाएगा कि इसमें से आप क्या पेस्ट करना चाहते हो। जैसे मैंने बोला फॉर्मूला, तो ओनली फॉर फॉर्मूला पेस्ट करेगा। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर ये नेम में फॉर्मूला तो नहीं है, रोल में फॉर्मूला, फिर भी पेस्ट क्यों किया? तो पेस्ट जो फॉर्मूला का मतलब होता है, आप पेस्ट एज ए फॉर्मूला अगर आप करते हैं, तो फॉर्मूला का मतलब होता है कि आपका जो ये है, मतलब आपका जो डेटा है उस डेटा के जो फॉर्मूला वार है, यहाँ जो फॉर्मूला वार दिख रहा है, तो फॉर्मूला वार में जो चीजें आपको दिख रही है सिर्फ उसी को पेस्ट करेगा। समझे? तो जो फॉर्मूला वार है
सिर्फ उसी को पेस्ट करता है, पेस्ट एज ए लिंक। इसी तरह से आप पेस्ट एज ए वैल्यू करते हो, तो पेस्ट एज ए वैल्यू क्या करता है, आपका जो कंटेन है उसको पेस्ट करता है, मतलब कि फॉर्मूला रिमूव करके पेस्ट करता है। जब कॉपी करके किसी और जगह पे आप पेस्ट करते हो तो वो फॉर्मूला को रिमूव करके पेस्ट करता है। यही नहीं, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो डेटा है, जो फॉर्मूला लगा हुआ है, उसको रिमूव करना। जैसे कि आपके सामने ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रैन बिटवीन का फॉर्मूला लगा है, यहाँ भी रैन बिटवीन का फॉर्मूला लगा हुआ है। मैं चाहता हूँ इसकी फॉर्मूला रिमूव हो जाए, हम इसको कॉपी करके किसी और लोकेशन पे, किसी और जगह पे पेस्ट नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मेरा इसी जगह पे मेरा डेटा पेस्ट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको हम कॉपी करेंगे और राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पर हम वैल्यू करेंगे, इसी के ऊपर इसी को हम पेस्ट कर देंगे। तो ये आपका फॉर्मूला देखिए रिमूव हो गया। ये इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब इसका इस्तेमाल हम अपनी ऑफिशियल लाइफ में करते हैं। अब कैसे करते हैं, चलिए इस पर आपको एक चीज़ें बताता हूँ। चलिए, फाइल हमने ओपन किया, एक फाइल लेता हूँ, जैसे मैन्युफैक्चरिंग डैशबोर्ड ही ले लेते हैं। तो ये मैन्युफैक्चरिंग डैशबोर्ड, एक मिनट, एक कुछ और हो गया लॉगिन, माफ़ कीजिएगा, कुछ और डेटा आ गया, दूसरा फाइल लेता हूँ। तो जब भी हम कोई रिपोर्ट बनाते हैं, कोई पर्टिकुलर रिपोर्ट बनाते हैं, तो उस रिपोर्ट में क्या होता है, एक डेटा होता है, और उस डेटा से हमारा रिपोर्ट बनता है फॉर्मूले और बाकी चीज़ों की मदद से। तो अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा, हम किसी को मेल करना चाहते हैं। जैसे कि देखिए, यही आपका पास डेटा है, और ये डेटा में ये फॉर्मूला दिख रहा है, ये रिपोर्ट दिख रहा है आपको, ये रिपोर्ट इसे कई सारे शीट के फॉर्मूले से मिल के बना हुआ है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, जो आप यहाँ देख रहे हैं, प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि अगर मुझे ये फाइल मेल करनी है, तो फाइल मेल करनी है, ये रिपोर्ट मेल करना है, लेकिन क्या होता है कि ऑफिस में कुछ कारण से हम पूरी की पूरी डेटा को मेल नहीं करते। मैं चाहता हूँ मैं क्लाइंट को भेजना है, लेकिन पूरा डेटा नहीं भेजना है, सिर्फ ये रिपोर्ट भेजना है, क्योंकि उनको रिपोर्ट से मतलब है, डेटा से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमें डेटा से कोई मतलब नहीं है। तो उस केस में क्या करेंगे, तो अगर मैं इसको राइट क्लिक करता हूं और करता हूं मूव एंड कॉपी, क्रिएट कॉपी, और एक नई फाइल में इसको ऐड करता हूं। देखिए, अब इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम आप देख रहे हैं कि देखिए थ्रूपुट फॉर्मूला, जो फाइल जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग डैशबोर्ड है उससे लिंक है, लिंक है। अब यहीं पे एक प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि ये लिंक होने के कारण प्रॉब्लम क्या हुआ कि अब फाइल किसी को मेल करेंगे तो उसके पास भी ये डेटा होना चाहिए, वरना वो वहां पे एरर दिख जाएगा। क्या सर? हाँ जी,
तो इसके लिए मुझे इसको कॉपी करके पेस्ट करना है। तो इसको कॉपी करके अगर मैं किसी अलग सीट पे किसी अलग जगह पे पेस्ट करूँगा तो एक प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम यहाँ पे ये होगी कि यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग इसकी कॉलम साइज वगैरह वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। अब डायरेक्ट अगर आप करते हैं तो ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। तो उस केस में क्या करेंगे कि हम पूरे को सिलेक्ट करेंगे। पूरे को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और इसी के ऊपर राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल और पेस्ट एज ए वैल्यू कर देंगे। तो इससे क्या हुआ? इससे बेनिफिट क्या हुआ कि बेनिफिट ये हुआ कि अब इस फाइल को मैं सेव करके किसी को भेजूंगा तो नॉर्मल डेटा हो गया और हमारी जो फॉर्मेटिंग है हमारा फॉर्मेटिंग भी रिमूव नहीं हुआ। फॉर्मेटिंग जैसा है वैसा ही है। तो ये बेनिफिट्स हैं। अब चलिए इसमें आगे नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो पेस्ट जो वैल्यू का यूज जो है एक अच्छा खासा यूज है तो इसका आप ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं अब बाकी चीजों पे। इसकी इसकी फॉर्मेटिंग को पेस्ट करना है तो कॉपी किया पेस्ट स्पेशल पेस्ट एज ए फॉर्मेट, इसकी फॉर्मेट पेस्ट हो जाएगी। फिर राइट क्लिक आप पेस्ट स्पेशल पेस्ट एज ए कमेंट्स, कमेंट पास होगा, वैलिडेशन वैलिडेशन पेस्ट होगा और एस्पेक्ट बॉर्डर में सब कुछ आएगा और इसका बॉर्डर नहीं आएगा इसी तरीके से। दूसरा कि जैसे कि अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको बोला कि जब इसको आप कोई भी डेटा कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो उसकी कॉलम की विड्थ नहीं होती। जैसे मैंने इसको कॉलम को छोटा कर लिया अपने डेटा में, जो भी आपका रिपोर्ट है छोटा है लेकिन हो सकता है रिपोर्ट में जो भी दिखाया बड़ा रिपोर्ट उस तरह के रिपोर्ट में, तो उस केस में जब इसको कॉपी करोगे कॉपी करके कहीं पेस्ट करोगे तो आपकी कॉलम की विड्थ जो है कॉलम की विड्थ आपकी पेस्ट नहीं होगी। ठीक है, तो कॉलम की विड्थ आपकी पेस्ट नहीं होगी। उस केस में क्या करेंगे? तो आप जो है इसके ऊपर पेस्ट स्पेशल करें, पेस्ट स्पेशल में यहाँ कॉलम विड्थ होता है, कॉलम विड्थ को पेस्ट करें। लेकिन ध्यान रखिएगा कॉलम विड्थ सिर्फ डेटा को पेस्ट विड्थ को पेस्ट करता है, डेटा को पेस्ट नहीं करता है। डेटा को पेस्ट करने के लिए दोबारा आपको पेस्ट करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये तो हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि हम इसको जब कॉपी करते हैं और कॉपी करके जब इसको राइट क्लिक करके हम पेस्ट स्पेशल करते हैं तो यहाँ पे डबल क्लिक कीजिएगा तो ये आइकन्स होते हैं। तो आपके पास अपडेटेड विंडोज अपडेटेड एक्सेल है, 13-16 एक्सेल है तो आप इसका एक फायदा उठा सकते हैं। क्या फायदा उठा सकते हैं? फायदा आप उठा सकते हैं इसमें कि आप इसको जो है कि इसमें आपके पास ये टॉपिक होता है कीप कॉलम सोर्स विड्थ, कीप कॉलम सोर्स विड्थ इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो वो क्या करेगा इसका जो कॉलम विड्थ है उसको उसको रखेगा और डेटा को रखेगा। तो एक ही बार में हो जाएगा, दो बार करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस सब का थोड़ा सा यूज हमको पड़ते रहता है।
ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, अब मैं यहाँ पे कोई डेट रखता हूँ, जैसे कि हम यहाँ पे डेट रखते हैं, तो यहाँ पे मैंने डेट लिख दिया। अब होता क्या है कि हम लोग जब इसकी कॉपी पेस्ट करते हैं, तो कॉपी पेस्ट करते समय एक छोटी सी दिक्कत ये होती है कि हम जब हमारे सिस्टम में जब डेट होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, पेस्ट स्पेशल जब करते हैं तो उसमें हम वैल्यू ले लेते हैं, तो हमारा ये नंबर बन जाता है। तो अब चलिए समझिए कि ये जो नंबर बना, ये नंबर आखिर है क्या। ठीक है, आखिर ये नंबर हमारा है क्या। ये नंबर होता है नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द कंप्यूटर कैलेंडर। जब से कंप्यूटर कैलेंडर स्टार्ट हुआ है तब से का नंबर होता है। ठीक है, जब भी कंप्यूटर कैलेंडर स्टार्ट हुआ है तब से आज तक का नंबर होता है। कंप्यूटर कैलेंडर स्टार्ट कब हुआ है, 1 जैन 1900 को। 1 जैन 1900 को जब आप किसी डेट पे 1 लिखेंगे, जैसे मैंने देखिए 1 लिख के एंटर मारा, तो देखिए 1 जैन 1900। तो इससे एक चीज और समझ में आती है कि अगर कोई डेट, जैसे कि मैंने लिख दिया 10th जुलाई 1895, तो सिस्टम इसको डेट नहीं मान रहा है। ठीक है, तो ये चीज रिमेम्बर रखिएगा कि 1 1 1900 से पहले की डेट को सिस्टम डेट नहीं मानेगा, सिस्टम क्या मानेगा, एज ए टेक्स्ट मानेगा कि ये टेक्स्ट है, एज ए टेक्स्ट मानेगा। ठीक है, तो इसका ध्यान आप रखिएगा। समझ गए सर। तो ये जो होता है नंबर ऑफ डेज होता है कि अगर मैं 43 104 डालूं तो ये आपका 16 नंबर दिखेगा। अब क्वेश्चन आता है कि प्रोग्रामर ने ऐसा किया क्यों। प्रोग्रामर ने इसका करने का रीजन क्या है। प्रोग्रामर का ऐसा करने का रीजन ये था क्योंकि एक्सेल का एक थ्योरी कहता है किसी भी टेक्स्ट नंबर के साथ अगर टेक्स्ट जुड़ा है तो टेक्स्ट माना जाएगा, उस पर किसी भी तरह की मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं की जाएगी। तो फिर ये 16 नवंबर पे कैलकुलेशन कैसे होगा, क्योंकि वो भी तो डेट है। तो बेसिकली 16 नवंबर पे कैलकुलेशन नहीं हो रहा, कैलकुलेशन हो रहा है इसके 1 3 0 1 0 4 पे, और रिजल्ट भी आपका 6 दिसंबर नहीं आ रहा है, 1 3 1 2 4 आ रहा है। तो क्या होता है कि जब हम फॉर्मेट अप्लाई करते हैं डेट का फॉर्मेट, तो वो क्या करता है कि इसको डेट एंड टाइम में कन्वर्ट करते हुए ले जाता है और इसको ए क्या बोलते हैं डेट शो कर देता है। लेकिन जब हम पेस्ट एज ए वैल्यू करते हैं, तो पेस्ट एज ए वैल्यू को कहा गया है रिमूव ऑल फॉर्मेट्स। ठीक है, रिमूव ओके ऑल फॉर्मेट्स। और तो
तो रिमूव जब ऑल फॉर्मेट्स कहा गया है तो वो पूरे के पूरे फॉर्मेट्स को रिमूव कर देता है। तो डेट एंड टाइम भी एक तरह का फॉर्मेट है तो वो भी रिमूव हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका डेट एंड टाइम एंड नंबर की जो फॉर्मेटिंग है वो रिमूव नहीं हो तो राइट क्लिक कीजिए पेस्ट स्पेशल, और इसमें जो है आपके पास देखिए आता है वैल्यू एज ए नंबर फॉर्मेट या फॉर्मूला एज ए नंबर फॉर्मेट। ठीक है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। हेलो। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा कि आपका नंबर का फॉर्मेट जो है वो फॉर्मेट सेम रहेगा। समझ गए? हाँ, इसका ध्यान आप रख रखिएगा। ठीक है ना सर? ओके सर। तो उसी तरीके से इसका इस्तेमाल करोगे तो नंबर की फॉर्मेटिंग आएगा। तो ये समझ गए? अब अगला टॉपिक आता है कि मैंने यहाँ पे ट्वेंटी क्या बोल रहे हैं, कुछ बोले सर? नो सर, नो सर। तो अब बात आती है कि हमने 20 लिखा, यहाँ पे 30 लिखा। अब मैं 30 को कॉपी करूँ और 20 पे पेस्ट कर देता हूँ तो क्या होता है? 30 रिप्लेस बाय 20 हो जाता है। लेकिन अगर मैं पेस्ट स्पेशल करूँ और पेस्ट मान लीजिए इसको कॉपी कर लिया, मैंने कॉपी किया और इस पे राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल करूँ और यहाँ पे ऑपरेशंस आते हैं। ठीक है, इस ऑपरेशंस में हम क्या करें, ऑपरेशंस में हम क्या करें कि अगर मैं यहां पे ऐड को सिलेक्ट करते हैं तो ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा दोनों में। देखिए प्लस हो गया। तो अब आपको क्या करना है कि इसका एक बेनिफिशियल यूज आपको निकालना है। ठीक है, इसकी एक बेनिफिशियल यूज आपको निकालना है कि आखिर हम जो है इसको अपने ऑफिशियल लाइफ में कैसे इस्तेमाल करेंगे। समझे? हम जो है इसको अपने ऑफिशियल लाइफ में कैसे इस्तेमाल करेंगे ये आपको रिसर्च करना है और रिसर्च करके मुझे भेजना है। आप लोगों की रिसर्च लिखूंगा फिर मैं अपना रिसर्च आपको बताऊंगा। तो दोस्तों देखा किस तरीके से अभी मैंने कि चार बच्चों को पढ़ाया, बेसिकली ये बेसिक था इसलिए थोड़ा सा स्लो स्लो पढ़ाना पड़ा है, लेकिन हम एज पर स्टूडेंट हम अपनी स्पीड को मेंटेन करते हैं। अगर स्टूडेंट जो है वो एडवांस लेवल के हैं, पहले से बहुत चीज़ जानते हैं तो उसको हम कुछ और स्पीड से पढ़ाते हैं, अगर वो बिगिनर है तो उनको कुछ और स्पीड से पढ़ाते हैं। तो आप भी हमारी इस ऑनलाइन क्लासेस, इस तरह की ऑनलाइन क्लासेस को ले सकते हो अगर आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी है तो, नहीं तो आप हमारी डीवीडी परचेज कर सकते हो। आप मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाएं जहाँ पे आपको एडवांस एक्सेल, वीवीएम माइक्रो, एमएस एक्सेस,
आपको कंप्लीट MIS का, टैली का, MS ऑफिस का DVD मिल सकता है, और साथ में हमारी क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे लोगों को शेयर कीजिए, ताकि लोग जान सके, आपने जो फ़ायदा लिया वो लोग भी उठा सके, आपके फ्रेंड्स भी उठा सके। और मेरा नंबर नोट कर लीजिए, कभी भी कुछ पूछना हो या हमारी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो है।